नहीं जितने भी हमको नहीं कुछ पता है जैसे कि कोई भी जितना भी यूट्यूबर इसके बारे में कभी जाएगा देखते हैं हम बताएंगे। पहली बार देखिए इस कार में मोनू अलवेला जी आए हैं खेसारी लाल के इवेंट में और वो कुछ क्या कुछ बोलते हैं बताते हैं आप सबको दिखाते हैं मोनू अलवेला जी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है खेसारी लाल यादव जी का जिस तरह से मीडिया वालों के साथ गलत किया गया इसके बारे में आप क्या कहेंगे बताइए। जिस तरह से तो हमको क्या पता है नहीं जितने भी किसी को भी बड़े लिया नहीं जा रहा है इतने बड़े फैन फॉलोइंग है वो वीडियो को बना करके पोस्ट किया जा रहा है अनाउंसमेंट कितने बड़े फैन फॉलोइंग है 1% भी लोग आ जाएगा तो कितना तादाद हो जाएगा लेकिन ये तो गलत किए हैं वो सभी के साथ हमको नहीं कुछ पता है जैसे कि कोई भी जितना भी यूट्यूबर ब्लॉगर मीडिया वाला है कोई के भी अंदर नहीं मिल रहा है। अब सर मैं सवाल पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले से कोई मैसेज नहीं दिया गया था कि मीडिया के लिए अलाउ नहीं क्या ऐसा बताना उचित था उनका कि नहीं था। अब इसके बारे में कभी जाएंगे आप हमारी जगह खड़ा होकर देखिए ये उनका उचित था कि नहीं था पहले से दिशा निर्देश देना। आपका बात कहना सब सही है जी ठीक है अंदर इंटरनली प्रॉब्लम क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में ऊपर जाते हैं पता करते हैं फिर आपको ठीक है। थोड़ा सा लेट हो रहा है इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है जी हाँ तो मोनू अलवेला ऊपर जा रहे हैं खेसारी लाल यादव जी से मिलने के लिए और ये पूछेंगे कि आखिर में ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं क्रिएटर्स हैं ब्लॉगर्स हैं इन तमाम लोगों को अंदर आप आने क्यों नहीं दिया सिर्फ और सिर्फ पेड क्रिएटर्स पेड यूट्यूबर्स को ही एंट्री क्यों किया ये पूछने जा रहे हैं मोनू अलवेला। लेकिन क्या ये सत्य है कि मोनू अलवेला खेसारी लाल यादव जी से ये बात पूछेंगे कभी भी नहीं पूछ सकते हैं और वही हुआ इस इवेंट में 19 अक्टूबर को जब खेसारी लाल यादव अपने न्यू फिल्म का प्रीमियर करने के लिए संघर्ष 2 का पटना में आए थे लेकिन कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने क्रिएटर्स थे उनके अपने रिपोर्टर्स थे और वही इस मॉल के अंदर एंट्री कर पाए और बाकी के जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सारे लोग गेट के बाहर ही उल्लू की तरह ताकते रह गए झांकते रह गए और जितने भी छोटे छोटे सिंगर्स कलाकार हैं उन तमाम लोगों का सिर्फ वीडियो बनाते रह गए लेकिन खेसारी लाल यादव अपना बड़ा गेम खेल दिए और जितना भी बड़े क्रिएटर्स हैं उन तमाम लोगों को एंट्री करके अपना बाइट्स दे दिया। क्या खेसारी लाल यादव को इस तरीके से इन तमाम क्रिएटर्स के साथ इस तरीके से करना चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।